शनिवार के दिन हमारा कैसा कटता है सबसे पहले दोस्तों आज मोहम्मद और समा को लेके जाएंगे हम सैलून में तो सबसे पहले मैडम बोलती है कि आज बिल्कुल गाड़ी धो के सफ़ा करके लेकर आना क्योंकि तू खाली बैठ के वीडियो बना रहा है और वीडियो एडिटिंग कर रहा है और तीन तीन चार चार महीना से गाड़ी नहीं धोया तो फाइनली दोस्तों मैं आ जाता हूँ मैडम के घर के बाहर में और मैडम के सामने मैं पाइप लेके आता हूँ और गाड़ी धोना स्टार्ट कर देता हूँ दोस्तों अगर आप सऊदी अरब आओगे तो आपको गाड़ी धोना पड़ेगा जो आप पर्सनल गाड़ी चलाओगे ठीक है और किसी के घर में दो रहता है किसी के घर में तीन रहता तो मेरे में दोस्तों सिर्फ एक गाड़ी मुझे ये मिला यही ये मुझे तो रेडी कर देता हूँ और तो माँ निकलेगी और मुझे वो चिल्लम चिल्ली करेगी। तो तरह से लपेटा था और, और फाइनली एकदम बिल्कुल गाड़ी धो के दरवाजा फिर बंद कर देता हूँ दोस्तों उसके बाद में गाड़ी के देख रहे हैं कितना अच्छे से सफा किया और फिर मैं आ जाता हूँ गाड़ी के अंदर दोस्तों उसको बाद चालू करता हूँ और मैं यहाँ से चालू करने बाद फाइड विनोद के रूम में जाऊंगा क्योंकि मेरा रूम वहीं पे भी कुछ दिन के लिए ठिकाना है उसके बाद शानदार बीच के साथ मैं निकल जाता हूं दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताना गाड़ी साफ धुला के नहीं धुला फाइनली अब आ जाता हूं विनोद के घर के बाहर में यहां पे मुझे पीछे पार्किंग मिल जाता है और गाड़ी को मैं सेफली खड़ा कर देता हूँ तो मैडम बोलती है जब मैं फ़ोन करूंगी तब तू आ जाना तो फिर मैं विनोद के रूम में आने के बाद शाम हो जाता है आठ बजे मेरा ड्यूटी लग जाता है विनोद को बोलता हूँ तू खाना बना कर रखना बोलता है विनोद तू खाना आके बनाना फिर मैं निकल जाता हूँ बाहर में और बाहर में गाड़ी को चालू करता हूँ और टाइम देखता हूँ कितना टाइम हो गया था फिर मैं वीडियो बनाते बनाते निकल जाता हूँ आप सऊदी अरब अगर ड्राइवर की नौकरी में आ रहे कभी भी लेफ्ट राइट मोड़े तो इंडिकेटर देख के मोड़े क्योंकि यहाँ पे जो भी खेला है सारा इंडिकेटर का है मैडम के घर के बाहर आ जाता हूँ यहाँ पे देखता हूँ एक बिल्ली होती है वो पानी पीरी होती है हो, जो मेरी मैडम हमेशा पानी रखती फिर मैडम बोलती आज मेरे ट्वेंट्स बच्चे जाएंगे कुर्सी लगा के कम्प्लीट रखना मैं कुर्सी अपना लगा के कम्प्लीट रख देता हूँ कुछ देर वेट करने पर घर के जो काम करते वो लोग आ जाते हैं और अरबिया पीछे डाल देते हैं और मोहम्मद समा आ जाता है मोहम्मद मोहम्मद मुझसे बहुत प्यार करता है वो सीधे मेरा गोद में आ जाता है और बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है और वो मुझे बोलता है मेरे को गाड़ी में बैठा और मुझे भी बोलता है इशारा करके तू भी बैठ यहीं पर क्योंकि मुझसे वो दूर नहीं होना चाहता है घर से जब बाहर निकलता मैं इनको किसी तरह से प्यार से उठाता हूं और मेरा काम होता है इनको पीछे कुर्सी में बैठा देना क्योंकि बच्चे जब हम गाड़ी चलाएंगे तो इधर उधर नहीं होंगे तो फाइनली अब मैडम भी आके गाड़ी में बैठ जाती और मैं निकल जाता हूँ दोस्तों शानदार व्यूज के साथ में आप लोग जरूर कमेंट करके बताना ये सऊदी अरब का कौन सा रोड है और नाइट वीज लाइफ कैसा दिख रहा है एक सिग्नल के पास आ जाता हूँ दोस्तों यहाँ पे कुछ वेट करने के बाद फिर मैं सीधे आ जाता मॉल के पार्किंग में यहां पे पार्किंग बहुत बड़ा नीचे बना हुआ रहता है ग्राउंड फ्लोर पे, पे मैं पार्किंग में खड़ा करके उसके बाद में इसको अरबिया बोलते हैं इसी में मोहम्मद शमा को मैं बैठाता हूँ और बैठाने के बाद यहाँ पे लोग एक चक्कर राउंड खिलाता हूँ उसके बाद मैडम को और मैडम के बच्चे को सारे और हम तीनों चारों जन सब निकल जाते हैं एक लिफ्ट में लिफ्ट में बैठने के बाद दोस्तों हम जा रहे थे फर्स्ट फ्लोर पे और यहाँ पे देख रहे हैं कितना खूबसूरत बना हुआ है मॉल में और नीचे भी सैलून था लेकिन हम यहाँ पे नहीं हम ऊपर जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर में तो ये बहुत ही शानदार मॉल है दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताना ये कौन सा मॉल है मुझे ठीक है सऊदी अरब का यहाँ पे एक बैलून भैया बेच रहे थे मोहम्मद बोल रहा था कि मुझे बैलून दिला लेकिन उसकी माँ बोली छुट्टे पैसे नहीं है फिर हम आ जाते हैं एक बड़ी सी मॉल होती है यहाँ पे बच्चे लोग का अलग अलग गेम खेलने का होता है बहुत सारा और अलग अलग यहाँ पे झूले आपको झूलने को मिल जाएगा तो ये मोहम्मद बोलते मुझे थोड़ा सा नीचे उतार तो इसको नीचे उतारता हूं मोहम्मद यहां पे खुश था खेल रहा था और मैं वीडियो भी बना रहा था और यहां पे भी मेरा फर्स्ट टाइम था अंदर आना में आता था लेकिन अंदर नहीं आता था फिर मोहम्मद को इस गेंद में आके डाल देता हूँ गाड़ी में मोहम्मद को यह गाड़ी चलाने के लिए पैसे का खर्चा लेकिन मोहम्मद छोटा था उसको पता ही नहीं चला था। फिर यहां पे कुछ बच्चे लोग गाड़ी चला रहे थे यहां पे भी मैं आके वीडियो बनाता हूँ और मैं आ जाता हूँ झूला देखने के लिए यहां पे झूलना झूला काफी अलग अलग थे इसके चार्ज अलग अलग थे फिर मैं मोहम्मद को उठाता हूँ मैं आ जाता हूँ सैलून में सैलून को सऊदी में हल्लाक महल बोलते हैं इसको मैं बेल्ट लगा देता हूँ और सैलून वाला एक मोहम्मद को चॉकलेट देता है और यहाँ पे आईपेड रख देता है और इस तरह से प्लास्टिक लगा देता है और फिर कटिंग करना स्टार्ट कर देता है मैडम बोलती है कि फ्रांस कटिंग काट दो बच्चे का बाल तो उसके बाद वो भैया काटना शुरू कर देती है समा बोलती है कि मुझे भी बैठा और ये बहुत स्माइल कर रही थी मुझे देख देख के फिर ये चॉकलेट खत्म हो जाता है इसका खाते खाते और ये बोलता है कि ये चॉकलेट अब डाल दो डब्बे में फिर डब्बे में डाल देता हूँ दोस्तों और बाल भी ये मोहम्मद का कट के रेडी हो गया आप लोग कमेंट करके बताना दोस्तों ये पैंतीस रियाल जो हमारे भारतीय रुपए में लगभग सात सौ रुपये बाल काटने का चार्ज हो गया रात काफ़ी हो गया था अब मेरा तबीयत भी सही नहीं था मैं अब खाना जाकर नहीं बना पाता तो मैं एक आ जाता हूँ पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में यहाँ पे मैं पे करता हूँ पैसा और एक भैया को बिल देता हूँ और भैया भी हाथ दिखाते कि भाई मैं आपका ब्लॉग देखता हूँ फिर यहाँ से दोस्तों मेरा खाना ऑर्डर करने के बाद ये भैया खाना दे देते हैं और खाना दे के मैं निकल जाता हूँ होटल से होटल से निकलने के बाद मैं सीधे ढूंढने लगता हूँ मोहम्मद समा को मैंने एक दूसरे दुकान में छोड़ के आया था वो लोग जूस ले रहे थे और चिप्स ले रहे थे तो यहाँ पर मैं अंदर जाता हूँ और देखता हूँ मोहम्मद समा को और मोहम्मद मुझे फाइनली मिल जाता है वो उसके साथ में रो रही थी उसके मुझे देखता है तो खुश हो जाता बोलता है तुम ले लो इसको फिर मैं लेता हूँ और यह समाज आइसक्रीम ली थी और मोहम्मद जूस लिया था पीने के लिए जूस को सऊदी अरब में अरबिक में असीर बोलते तो यह असीर लिया था और मैडम को छोड़ा और मैं आ गया विनोद के रूम के बाहर फिर मैं गाड़ी खड़ा करता हूँ और अपना खाना लेता हूँ और विनोद के रूम के अंदर... रूम के अंदर मैं आने के बाद विनोद भी बोलता मैंने भी नहीं खाना खाया तो इसको बोलता हूँ जल्दी से प्लास्टिक बिछा और खाना को पलटी कर तो फाइनली दोस्तों प्लास्टिक का सुफरा बिछा देता है विनोद चावल उझल देता है एक बोरा उसके साथ हमें चटनी मिल जाता है और सलाद मिल जाता है इसके प्राइस का बात दोस्तों 21 रियाल था जो हमारी भारतीय रुपए में साढ़े पांच सौ रुपए समथिंग हो जाता है ठीक है आज का ब्लॉग यहीं तक दोस्तों वीडियो पसंद है लाइक शेयर कॉमेंट और फेसबुक में पहली बार देख रहे तो मुझे प्लीज फॉलो कर लेना मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो